हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की क्या महिमा है, क्या लीला है, आखिर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतमानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामयम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब मैं हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए तथा पापियों के नाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया, क्योंकि कंस बहुत दुराचारी था। वो मतलब पूरे अधर्म फैला रखा था, वो सभी का नाश करता, सभी को मारता, सब लोग उससे पीड़ित थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए तथा कंस को मार दिया तथा अधर्म का नाश किया तथा धर्म की स्थापना की। इसी तरह आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से बनाइए और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप प्रतिदिन माला कीजिए, 16 माला कीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बनाते इसके बारे में जानिए, श्री कृष्ण भगवान का लीला है वो जानिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीला की वो सभी जानिए और अपने जीवन को सफल बनाएं तथा आप जन्माष्टमी के दिन 16 माला जरूर कीजिए। 16 माला है क्या, आखिर इसमें क्या होता है? इसमें एक मंत्र होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि मनुष्य का उद्धार कलयुग में कैसे होगा, तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सारे वेद फैलाए, सारे वेदों में कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक निकला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग में सिर्फ यही मंत्र है जो मनुष्य का हृदय शुद्ध करेगा और उसके सारे पाप मिट जाएंगे। इसमें बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत शक्ति है और आप प्रतिदिन इसको अपने जीवन में उतारें तथा प्रतिदिन माला कीजिए और आप प्रतिदिन वैष्णव तिलक लगाइए जैसे कि मैंने तिलक लगाया। इसकी बहुत महिमा जितना मैं कहूँ उतना कम है। माला लगाने से तथा माला करने से तथा तिलक लगाने से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो आपको बताओ माला करने से तथा तिलक लगाने से क्या होता है? जब इंसान की मृत्यु होती है तो यमराज उससे दूर ही रहते हैं तथा यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि उसके पास मत जाना, क्योंकि श्री कृष्ण का भक्त है, इसके ऊपर हमारा कुछ अधिकार नहीं है, कुछ अधिकार नहीं है। इसी तरह यमराज हमारे पास आते नहीं, श्री कृष्ण भगवान के दूत आते हैं और हमें मृत्यु के समय गोलोक धाम में लेके जाते हैं। यमराज हमसे दूर ही रहते हैं, भयभीत रहते हैं सभी कृष्ण भक्तों से। इसलिए आप प्रतिदिन माला कीजिए तथा तिलक लगाइए, इसके बहुत गुण हैं, बहुत गुण। इसी तरह आप सभी जन्माष्टमी को धूमधाम से बनाइए और भविष्योत्तर पुराण में लिखा है कि एक जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशियों व्रत के समान है। आप सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करोगे वो सिर्फ 20 करोड़ एकादशियों के व्रत के समान है। आप क्या करेंगे 20 करोड़ एकादशी व्रत, सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत कीजिए और 20 करोड़ एकादशियों का व्रत फल का पाइए। आप सभी जन्माष्टमी का व्रत अवश्य कीजिए तथा अपने जीवन को सफल बनाएं और श्री कृष्ण और जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं और प्रतिदिन कीर्तन करें, जप करें, भगवान की लीला पढ़ें तथा जीवन को आनंदमय बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।